आज मैं बात कर रहा हूं नयन मास्क के बारे में। मास्क का तो चलन खूब बढ़ गया, लेकिन जब कोई श्रवण दिव्यांग व्यक्ति आता है हमारे पास और आप मास्क पहने होते हैं, उसे बड़ी कठिनाई होती है। कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि एक श्रवण दिव्यांग व्यक्ति व्यक्ति के होंठों के चलन पे, उसके चेहरे के भाव भंगिमाओं को देखकर ये समझने की कोशिश करता है कि क्या बोला जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह तो वो सुन नहीं पाता। इसलिए जरूरत महसूस हुई हमें एक ऐसे मास्क को बनाने की जहां की स्पीच रीडिंग स्किल्स या लिप रीडिंग स्किल्स को देखा जा सकेगा। तो तैयार किया गया एक ऐसा मास्क जिसे हमने कहा नयन मास्क। अगर नयन मास्क व्यक्ति पहनता है तो उसके होंठों की हलचल, उसके चेहरे की भाव भंगिमाएं कुछ हद तक क्या बहुत हद तक देखी जा सकती हैं एक श्रवण दिव्यांग व्यक्ति के द्वारा, जिससे कि वो ये समझ पाता है कि क्या बोला जा रहा है। इस मास्क को राष्ट्रीय श्रवणबाधित संस्थान मुंबई में स्थित जो है उनके डायरेक्टर मैडम को भी दिखाया गया था और उन्होंने काफी प्रशंसा की है इसकी और श्रवणबाधित लोगों के लिए उपयोगी बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।